किशोर के रंग अमित कुमार के संग ऐसे ही तड़ पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में तिघा जाओगे चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली जिना तुम्हारी मोहब्बत के किस्से जिंदगी भर तक दोहराए जाएंगे चिराग और काव्या की लव स्टोरी इंडियन आइडल सीन 13 में अभी जोरों शोरों के साथ वायरल होती जा रही है। चिराग काव्या को कई बार प्रपोज कर चुके हैं लेकिन हर बार काव्या ने चिराग के प्रपोज को रिजेक्ट कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। तो काव्या चिराग को हाँ बोलेंगी भी या नहीं बोलेंगी ये तो आने वाले एपिसोड देख के ही पता चलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में अमित कुमार जी आने वाले हैं जो कि बॉलीवुड के बहुत ही प्यारे सिंगर हैं। लेकिन मेरा ये विचार है कि इंडियन आइडल के सेट पर एक बार हमारे सबसे चहेते सिंगर उदित नारायण जी को भी बुलाया जाना चाहिए और चिराग और काव्या की एक डुएट परफॉर्मेंस उनके सामने करवाई जानी चाहिए। तो उनकी परफॉर्मेंस को देखकर वो उनकी लव स्टोरी को क्या फीडबैक देंगे ये देखना चाहिए। बाकी उदित नारायण जी के आने के बाद सेट पर कितना प्यारा और कितना खुशनुमा माहौल बन जाता है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो उदित नारायण जी को सेट पर बुलाया जाना चाहिए फिर नहीं बुलाया जाना चाहिए मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का मैं वेट करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के जाइएगा ऐसी वीडियो दोबारा देखने के लिए।